हेलो दोस्तों, सही जी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भी आज किस वीडियो के अंदर अपने रिव्यू करेंगे अभी वरना 2024 का। ये अभी पेट्रोल मॉडल है, नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर नॉन टर्बो इंजन है अभी, और इसके पावर भी 115 BHP से ऊपर, 160 BHP वाला टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आता है अभी, डीजल का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी इस गाड़ी से जुड़ी सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा सकते हो भाई, क्योंकि भैया इससे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे आती रहेगी। तो भैया ऐसी कुछ इसकी फ्रंट की लुक का भी, इसको 3x पे करके दिखाता हूँ, रियल लुक तभी आएगी। तो भैया सामने से देखने पे भैया ऐसी दिखाई देती है, एक नंबर लगती है ये गाड़ी। और अगर मैं साइड से दिखाऊँ तो भैया साइड से देखने पे कुछ ऐसी दिखाई देगी। आपने भी अभी तक शायद इसको अल्ट्रा वाइड कैमरा में देखा होगा, तब ये ढंग से दिखाई नहीं देती। तो 1x से देखें भाई, एक नंबर गाड़ी लगती है साइड से। इसकी लंबाई अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है भाई। और ये इसके DRL है, इसके अंदर DRL का पार्ट है वो इतना ही है। और ये जब ये ऑन कर देते हैं लाइट तब ये थोड़ा डिम हो जाता है, इसके अलावा ये थोड़ा ब्राइट रहता है। और ये इसकी कुछ फ्रंट से हेडलाइट, ये दो लो बीम है, एक हाई बीम है और एक कॉर्निंग लैंप है। जब जिस साइड अपने स्टेयरिंग को मोड़ेंगे उस तब ये ऑन हो जाएगा। ये इसका इंडिकेटर, 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर है, 1, 2, 3, 4। और ये ऐसी कुछ इसकी ग्रिल है भी, सामने से देखने वाली ऐसी गाड़ी दिखाई देगी। और इसके अंदर फॉग लाइट है वो गायब कर दी गई है, और ये एयर वेंट, इससे माइलेज इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा। और ये कुछ ऐसे डायमंड कट अलॉय व्हील अभी, ये एक नंबर लगते हैं ये। और इसमें जो टर्बो वाले मॉडल में वो और ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे दिखाई देते हैं। इसके अलावा 205/55 R16 प्रोफाइल भी बिल्कुल सही दी है, कोई दिक्कत नहीं है। लो प्रोफाइल टायर है ये बहुत ज़्यादा, जिससे स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़िया रहती है। और सेडान गाड़ी की तो भी सबको पता ही है, स्टेबिलिटी एक नंबर रहती है। ये इसका ORVM, और ये ऐसे डोर हैंडल, ये कुछ सिल्वर कलर के आते हैं, और ये भी सिल्वर कलर के हैं। इसमें ना बाहर की तरफ क्रोम कहीं नहीं है। और ये ऊपर से ऐसे रूफ, सनरूफ दी गई है अभी, और शार्क विन एंटीना ब्लैक कलर में। ये इसकी विंडशील्ड देख सकते हो, वाइपर भी बिल्कुल ही लो क्वालिटी के दिए हैं, इससे बढ़िया आ सकते थे एरोट्विन वाले। और इस पर ना क्रीजेस बहुत ज़्यादा हैं, शार्पनेस दिखाने के लिए क्रीजेस बहुत दे दी कंपनी ने। और अगर पीछे से दिखाऊं तो ये इसके रियर ग्लास पैनल, ये इसका पेट्रोल टैंक भी, 45 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। और अगर पीछे से लुक दिखाऊं आप सभी को तो भी ऐसी कुछ इसकी लुक है, वो नेक्स्ट पे करके दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर कनेक्टेड लाइट है, वरना फाइबर के अंदर लिखा हुआ है। और ये हुंडई का लोगो, ये भी सिल्वर फिनिश में है भाई। और ये कुछ ऐसी टेल लाइट है, इस साइड से दिखा देता हूँ मैं। जब ब्रेक लगाएंगे तब ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये ऑन होंगे। और इसके अलावा जब ऑलवेज ऑन में रहेगी तब ये चीज़, ये लाइट ऑन होगी। और ये ना अंदर, ये पता नहीं डायमंड से दे रखे हैं, ये एक नंबर लगते हैं रात में देखने में। और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 4 फ्रंट पार्किंग और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, ये कुछ पार्ट है ऐसे डिज़ाइन बनाए हुए। ये स्किड प्लेट, ये वाइट कलर में, अगर आप ब्लैक लोगे तो ये ब्लैक कलर में आएगी। और भी कुछ ऐसे दिखती है, रियर में डिफोगर है देख सकते हो आप। अगर इसके बूट की तरफ जाए ना, ये रिवर्स पार्किंग कैमरा, और ये लाइट हैलोजन में ही है। तो भाई ये इतना कुछ है बूट स्पेस इसका, ये 528 लीटर के आसपास है। और ये टूल किट वगैरह है। और इसकी प्रोफाइल 185/65 R15, 1 इंच छोटा दिया हुआ है स्पेयर टायर है जो। इसके अलावा भी अब चलते हैं इंटीरियर के अंदर। और ये इंसुलेशन दी हुई है, तो भी इसके अंदर देखें भाई, ये कुछ इसका ग्लास है, ये थोड़ा इस वजह से ठंड का मौसम है तो ये इस पर जम गई जो धुंध है वो। तो ऐसा कुछ इसका डोर है भी, ये चीज़ है ना। ये मॉडल भी पहले बता देता हूँ, SX मॉडल है, टॉप मॉडल से एक नीचे, सेकंड टॉप मॉडल है।
ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, पर इनकी फिनिश है ना वो ऐसी दी हुई है जैसे ये लेदर लगे। और ये कुछ है ओवर भी इनके कंट्रोल, ये विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन दी हुई है विद एंटी पिंच। और ये कुछ दो बोतल यहाँ पे आ सकती है। और ये कुछ ऐसी सीट, अभी ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टेबल है और बाकी सब कुछ तो है ही। तो अभी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी इसके अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है और ऐसे कुछ इसकी डिस्प्ले अभी देख सकते हो आप लोग। और ये इसके 8 इंच की टच स्क्रीन जो सपोर्ट करके एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ब्लूटूथ, इसके अलावा भी जो भी फीचर है वो देख सकते हो आप लोग। अभी धूप थोड़ी अब निकलने लग गई है तो इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। ये इसका ग्लो बॉक्स है, ये ऐसी वेंट और पीछे की सीट के लिए सीट बेल्ट वही पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। और ये इसके ऐसी वेंट, ये वाइपर के कंट्रोल और ये हेडलाइट के, ऑटोमेटिक हेडलाइट है इसके बेस मॉडल से। और भाई ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल है भाई, अगर ये बटन दबाएंगे अब ये एसी वाले कंट्रोल आ गए और एक बटन दबाते ये इसके कंट्रोल बन गए स्टीरियो के। और यहाँ पे भाई वेंटिलेटेड सीट नहीं है, ये वायरलेस चार्जर है जो भाई ठीक ठाक चार्ज कर देता है। टाइप सी पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट है, ये 12 वोल्ट का सॉकेट टायर इन्फ्लेटर के लिए। इसके अलावा तो भाई देख लो कुछ ऐसी दिखाई देती है, डैशबोर्ड की लुक बाकी मैं बाहर से दिखा दूंगा। सनग्लास होल्डर नहीं है अभी। इस साइड पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, इस साइड पे भी मिल जाता है, दोनों साइड में वैनिटी मिरर है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। और अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड में ऑटोमेटिक में जाओगे तो IVT गियर बॉक्स आएगा, और टर्बो में जाओगे तब आपको 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स मिलेगा। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन, ये रियर कैमरा चलाने का बटन, और इसके अलावा यहाँ पे दो बटन और, एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल, एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये ट्रैफिक लाइट पे काम आने वाला फीचर अभी। और ये TCS ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा अभी ये आर्मरेस्ट है इसका, जिसमें आप सामान रख सकते हो कुछ भी। अब भाई चलते हैं पीछे की सीट पे, और पीछे की सीट पे देखते हैं भाई कंफर्ट कैसा है। और उससे पहले भाई एक फीचर दिखा देता हूँ, वो है भाई इसकी सनरूफ। और ये चीज़ भाई फैब्रिक में भी नहीं दी हुई, ये प्लास्टिक में दी हुई, लगती है ऐसे जैसे फैब्रिक में हो बट ये ना प्लास्टिक है, स्टिचिंग दी हुई है सब कुछ है। तो भाई ये छोटी सी सनरूफ दी हुई है इसके अंदर, जिसमें ना बाहर निकल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वन टच ऑटो ओपन एंड क्लोज है विद एंटी पिंच, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुंडई वाले प्रोडक्ट वैसे ही बढ़िया होते हैं, हालांकि इसने निशान तो लगा दिया भाई, इतनी आप ट्राई मत करो, ठीक है फीचर दिया है बस यूज़ के लिए। अब भी चलते हैं पीछे वाली सीट पे। अब ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो ये पीछे वाली सीट पे चलते हैं और देखते हैं कितना स्पेस है। कुछ दिखाई देता है इसका पीछे वाला डोर, और ये भी इसका बोतल होल्डर है, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो कुछ भी। और ये ऐसी कुछ सीट है इसकी, इसमें भी एडजस्टेबल एडजस्ट है, चारों एडजस्ट या जो वो बेस मॉडल से एडजस्टेबल है, और पीछे आर्मरेस्ट बेस मॉडल से मिल जाएगा। और इसके अलावा भी ये पीछे रियर एसी वेंट मिल जाता है दो टाइप सी पोर्ट के साथ में। तो भी ये वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट थी। अब स्पेस देख सकते हो, स्पेस की कोई कमी नहीं है गाड़ी में, मैं आराम से कहीं भी जा सकते हो। ये पीछे एक ये दे रखी है भाई जगह, यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हो, सीट में नहीं है। तो भाई ये इतनी कोई जरूरी लगती नहीं। और भाई गाड़ी में 6 एयरबैग आते हैं, 2 फ्रंट में, 2 साइड में, 2 सीट में, 6 एयरबैग आती है भाई। गाड़ी 5 स्टार रेटेड है भाई, जो लोग कहते हैं भाई हुंडई की गाड़ी 5 स्टार रेटेड नहीं होती भाई, उनके लिए ये गाड़ी बनी है भाई। तो भाई यही रीज़न था भाई हमारा ये गाड़ी लेने का, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है भाई। टाटा की तरफ जाते हैं तो वो अनरिलायबल है बिल्कुल ही। और अब इसका भी दिखा देता हूँ अंडर द हुड क्या कुछ है। और एक बार भाई मैं बोनट उठा लेता हूँ, ये काफ़ी भारी बोनट है। ये भी इसका 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है भाई। इसकी पावर की अगर मैं बात करूँ तो वो 115 BHP और टॉर्क का वो 141 NM का है। इसके भाई साउंड सुना देता हूँ मैं एक बार,
तो उसके लिए बोनट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भी जो अपने की से स्टार्ट करते हैं तब बोनट बंद होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे इंसुलेशन भी दी हुई है और दिखा देता हूँ भाई कितनी किसकी बार आवाज़ आती है। तो भाई इस फीचर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो भाई इसकी ऐसी कुछ की है जिसमें लॉक अनलॉक होल्ड करके रखेंगे, इंजन स्टार्ट हो जाएगा और होल्ड करके रखेंगे तब बूट ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए पहले इसको लॉक करना पड़ेगा, लॉक करने के बाद में इसको होल्ड को प्रेस करके रखें। इसके बाद भी ये इंडिकेटर ब्लिंक कर जाएंगे, तो भाई स्टार्ट नहीं उसकी भी वजह दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हैंड ब्रेक है उसको पूरा ऊपर होना चाहिए, अब भाई ये स्टार्ट हो जाएगी। इसकी भी ये कमी होती है कुछ पॉइंट्स तक इसको ना हैंड ब्रेक लगा हुआ होना चाहिए। तो भाई अब इसको ट्राई करके देखते हैं इसकी की फीचर की भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं। तो भी ये इंजन स्टार्ट हो गया भाई, बिल्कुल ही साइलेंट इंजन है, पता ही नहीं लग रहा इसका स्टार्ट आया या नहीं है। वैसे थोड़ी एसी की आवाज़ आ रही है, एसी बंद करके मैं आवाज़ सुना देता हूँ। तो भाई जब एसी ऑफ करते हैं भाई इतनी कुछ आवाज़ आती है इसकी, भाई बिल्कुल ही साइलेंट इंजन है, बिल्कुल भी बार आवाज़ नहीं आती भाई। हुंडई का इंजन है वो साइलेंट बहुत होते हैं अगर, और इसकी DRL की अगर दिखाऊँ मैं आपको तो भाई जला के दिखा देता हूँ कैसे जलती है कि DRL, वो इतनी कुछ जलती हुई दिखाई दे रही है अभी। ये वाला जो पार्ट है, ये साइड वाले दो पार्ट ही जलते हैं, बीच वाली लाइट है वो ऑफ रहती है। तो भाई ऐसी कुछ है ये गाड़ी। तो भाई यही थी आज की वीडियो, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।